जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार की देर रात थाना तितावी क्षेत्र में छतेला मोड़ पर पानीपत खटीमा मार्ग पर लूट की घटना को अंजाम देने आए बदमाशों और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिस उप निरीक्षक भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। दरअसल बुधवार की देर रात थाना तितावी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बाइक सवार दो बदमाश पानीपत खटीमा मार्ग पर किसी लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इसी के चलते थाना तितावी प्रभारी सूबे सिंह यादव ने जसोई चौकी इंचार्ज राजकुमार व अन्य पुलिस कर्मियों को साथ लेकर छतेला मोड़ पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान जब पुलिस ने एक बाइक पर सवार होकर जा रहे बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हो गया जबकि सब इंस्पेक्टर सुभाष यादव भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान करमवीर पुत्र ओम प्रकाश निवासी कबीर नगर कॉलोनी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई। मुठभेड़ के दौरान उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने घंटों जंगलों में कॉम्बिंग की। पकड़े गए बदमाश करमवीर के खिलाफ लूट और डकैती के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल तमंचा व कारतूस बरामद की है। पुलिस के अनुसार करमवीर हाईवे से गुजर रहे वाहनों से लूटपाट की योजना बना रहा था। किस तरह की मुठभेड़ हुई है सर? अभी यहाँ पे थाना तितावी अंतर्गत थाना तितावी पुलिस, जिसमें उप निरीक्षक विजयपाल अत्री व सुभाष यादव यहाँ गश्त में मामूर थे और चेकिंग कर रहे थे, तो तभी मुजफ्फरनगर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर बहुत तेज़ी से दो लोग आए और पुलिस पार्टी को देखते ही उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और ये जो आपके सामने रोड है इस पर दाहिनी तरफ मुड़े और मोटरसाइकिल से कूदकर पुलिस पर फायर झोंक रहे, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में चोट लगी है, जिसका नाम करमवीर सन ऑफ ओम प्रकाश है। इस पुलिस पर फायर झोंकने की कार्रवाई में एक उप निरीक्षक सुभाष यादव को गोली लगी है। इस व्यक्ति जिसका नाम करमवीर है, इस पर काफ़ी आपराधिक मुकदमे हैं। ये मूल रूप से थाना अर्बन स्टेट जिला रोहतक का रहने वाला है। थाना बाबरी, थाना अर्बन स्टेट व अन्य थानों में इस पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट व डकैती जैसी संगीन धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं। ये एक शातिर लुटेरा एवं हत्यारा है। एक और इसका अन्य साथी जिसके लिए अभी कॉम्बिंग कराई जा रही है, वह अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसके बारे में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इस संबंध में नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।